गले पे रखेंगे और चाचू को भी देंगे और फुफ्फोस को भी देंगे और प्रिया फुफ्फो को भी देंगे, बापू को भी देंगे, चाचू को भी देंगे और सारा ने कौन सी प्लेट खानी है? नहीं। क्यों? बोलो हम खाती हैं, ये हमारे गरीबों को खाने दी, कुछ भी नहीं खाती। चले थैंक यू सो मच सारा। अस्सलाम वालेकुम, सेकेंड डे ऑफ ईद था और हमारे घर कुर्बानी की तैयारियां चल रही थी। ये इरफान कुर्बानी से पहले जो दुआ होती है वो पढ़ रहे हैं और अली मेहदी पानी पिलाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हदीसों में आता है कि कुर्बानी से पहले आप बकरे को या जो भी आपने ज़बह किया जानवर उसको पानी ज़रूर पिलाएं, वो पिए या ना पिए आप उसके आगे ज़रूर 3 दफ़ा हुज्जत तमाम करें, वो पी ले। और उसके बाद फिर किबला रुख की बारी आती है और फिर किसाई ने ये पूछा कि आपका किबला किस तरफ है, फिर हमने उसको वो गाइड किया। और मुझे ये पता है कि मेरी वीडियो थोड़ा लेट आई है, लेकिन अब YouTube चलाने का मकसद ये तो नहीं होता कि बंदा घर के काम छोड़ दे और सिर्फ YouTube के लिए ही काम करता रहे, पहले घर ज़रूरी होता है उसके बाद। तो मुझे जैसे टाइम मिला तो फिर मैंने वीडियो एडिट करके अपलोड कर दी और ये सारे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, कुर्बानी हो चुकी है। अल्लाह पाक हम सब की कुर्बानियों को कबूल करे और हम सबको उसका अजर दे। ये सारा बहुत ही मज़े से लेट कर बाइक पर इंजॉय कर रही है कि अंकल कैसे इस बकरे के पीसेस कर रहे हैं, और साथ साथ जो उसकी स्किन होती है यानी बकरे की खाल उसकी भी तैयारी हो रही है कि कहाँ देनी है। तो बहरहाल हमारे यहाँ पे स्टॉल लगता है शौकत खानम वालों का, तो इरफान ने वहाँ पे दिए। और अब ये मेरी एक स्पेशल छाननी है जो जा रही है बाहर, क्योंकि इसमें कलेजी दिल और गुर्दे आएंगे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने मुश्तबा से कहा कि अंकल से कहिएगा कि इसको अलग ही रखें, मिक्स ना करें गोश्त में। ये इरफान खाल लेके जा रहे हैं, इसमें खाल के लिए उन्होंने लिफाफा पकड़ा हुआ ताकि वो शौकत खानम वालों को दिए हैं। और साथ साथ ये देखें जी, बकरे की अब काफ़ी हद तक पीसेस हो चुके हैं, ये किचन में आ चुकी है, दिल था फिर ये गुर्दे हैं और ये कलेजी है। वैसे तो पापा भी मेरे साथ शौक से खाते हैं हम दोनों बैठ के, पहले पापा नहीं खाते थे लेकिन अब पापा भी कलेजी खाते हैं बहुत शौक से, तो मज़ा आता है मिलके जब हम सब कलेजी खाएं। तो अब ये पीसेस हो चुके हैं जो अम्मी जान ने प्लेट्स बनाई हैं सबके लिए, गरीबों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हमसायों के लिए और गरीबों के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और अपनी दुआ में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।